हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बता देने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फॉर्म होता है फिलअप करने वाला, वो आपका कैसे फिलअप किया जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहना और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, जिससे आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके कि बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाता है और उसमें इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूं। डॉक्यूमेंट्स उसमें तो आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, आपका एक फ़ोटो, पेन कार्ड हो तो पेन कार्ड लग जाएगा, जिससे बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन करने पर आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इस कार्ड से पेन कार्ड लगता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ना हो तो ओनली आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। चलिए फिर लाइव प्रूफ मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। चलिए फिर वीडियो को यहीं से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पर आपके सामने ये फॉर्म रखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑनलाइन खाता खुलाने का। ओनली यहाँ पर आपको एक नमूना हस्ताक्षर कर देना है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड पृष्ठ में हम जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी लिखनी रहती है। तो यहाँ पर इसे हो गया ये फर्स्ट, फॉर ऑफिस यूज ओनली अकाउंट टाइप नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल अकाउंट खुलाना है नॉर्मल खुला सकते हैं, छोटा अकाउंट खुलाना है छोटा, तो नॉर्मल ज़्यादा बेटर पड़ता है, तो नॉर्मल आप अकाउंट यहाँ पर खुला सकते हैं। फॉर ऑफिस यूज ओनली टू वी फील्ड बाई द बैंक ऑफ सेल्स, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो आप भर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले अपना नेम डाल लेना होगा जिसका अकाउंट खुलवाना है। तो यहाँ पर मदर नेम डाल लेना है और यहाँ पर आपका जेंडर डाल लेना है। अगर जेंट्स हो तो मेल पर क्लिक कर दो, लेडीज़ तो फीमेल, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक कर दीजिए, अगर अभी आपके साथ नहीं हुई तो अनमैरिड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इन इंडिया, यहाँ पर कंट्री कोड लगता है अगर अदर कंट्री का हो तो। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, आप जिस सेक्टर से हो उस सेक्टर को यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका हो गया टाइप डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, अदर कार्ड। तो गाइस यहाँ पर मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। अब इसके बाद हम आगे फॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन प्लीज़ रिफर जी एट द एंड, इससे कोई मतलब नहीं है। सी के वाई सी नंबर्स पर्सनल, इस ये डालो या ना डालो उससे कोई मतलब नहीं। नेम सेम आई डी प्रूफ, यहाँ पर नेम डाल देना है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर होता है, एक सिग्नेचर यहाँ पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देनी रहती है। तो यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ इनका, तो यहाँ पर नेम हो गया, फादर नेम यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 18 साल के हो चुके हैं। अगर आपकी उम्र अगर अभी तक 18 साल की नहीं हुई है तो आपके ए पेरेंट्स मतलब फादर या मम्मी का एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी साथ में, वहाँ पर आपकी हस्ताक्षर रहेगी। तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें एक हस्ताक्षर आपकी ज़रूर लगेगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फ्लैट रूम नंबर, अगर आपका कोई रूम नंबर है तो डाल दो यहाँ पर। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए डलाई जाती है जिससे आपका एटीएम कार्ड जो है वो यहाँ पर आ जाए, उसके बाद रूम नंबर वहाँ पर लिखा रहे। फ्लोर नंबर हो तो डाल दो, नहीं तो रहने दो। नेम प्रेमिसेस अगर है तो डाल दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक नंबर हो तो डाल दो, नहीं तो। एरिया लोकेलिटी मुंशीगंज, रोड स्ट्रीट मुंशीगंज अमेठी, यहाँ पर टाउन सिटी, सिटी हमारा अमेठी है तो यहाँ पर अमेठी डाल देते हैं, जो आपका अमेठी हो, डिस्ट्रिक्ट अमेठी मतलब ज़िला जो आपका हो वो डाल दो, ज़िला यहाँ डाले, स्टेट मुंशीगंज है, मुंशीगंज यहाँ पर मुंशीगंज। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है यहाँ पर, पिन कोड हो गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जो अमाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए, आपका जितना अमाउंट आप बैंक में अपने डालना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए। मिड ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर पैसा कैश दे रहे हो तो कैश पर क्लिक कर दो, या कार्ड से दे रहे हो कार्ड पर क्लिक कर दो, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र, या अदर से कर रहे हो तो अदर्स कर दो। यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट्स की जो नंबर होते हैं वो यहाँ पर डालना रहता है, यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको, तब तक वीडियो स्किप करते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मैंने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड है तो उसमें जो डेट है वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी डाल देनी है, इसका ये मतलब हुआ, और पैन कार्ड नंबर आपका जो है यहाँ पर डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर कर देनी है अपनी। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है
अकाउंट नंबर वह भरेंगे। यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, अकाउंट होल्डर नेम जो है इनका नेम डाल देता हूँ मैं। कस्टमर आईडी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इनके फादर का नेम डाल देना है। जेंडर यहाँ पर डाल देना है आपका, पिन अगर हो पिन कार्ड हो पिन कार्ड डालना है तो इसको कट मारो। आधार कार्ड नंबर डाल दो, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आके डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है इनकी जो हो आधार कार्ड में, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। नेशनलिटी सिटी ऑफ बर्थ, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके डाल दो। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो चुका है गाइज, यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर कर देनी है, उसके बाद डेट डाल देनी है जिस डेट पर आप वहाँ पर देना चाहो फॉर्म को। ये हो गया, यहाँ प्लेस आपका जो है वो डाल दीजिए, ये लास्ट फॉर्म है। कंट्री ऑफ बर्थ सिटी स्टेट मुंशीगंज। इतना गाइज हो गया। अब इसके बाद आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे फ्यूचर में आने वाले नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमेशा अपने चैनल पर मैं इसी तरह का वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको अदर किसी वर्क में आपको हेल्प मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।